किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम भजनलाल शर्मा के प्रमुख सचिव शेखर अग्रवाल से की मुलाकात। मुलाकात के दौरान मंत्री ने आरएएस परीक्षा में घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। कहा 2018 और 2021 में राजनीतिक दबाव में आकर पैसे लेकर बनाए आरएएस। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। कार्मिक विभाग की तरफ से ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जारी की, जिसमें 183 आरएएस अधिकारियों को शामिल किया गया। कार्मिक विभाग ने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालने के लिए दिए आदेश। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बार फिर राहुल गांधी पर किया पलटवार। कहा, मैं अपने बयान पर कायम, अगर उनको तकलीफ तो मेरे पास आकर बात करें, मैं उनसे ही आया हूं, इसीलिए मेरे से ज्यादा राहुल गांधी को कौन जानता है। यह कांग्रेस बीजेपी की नहीं, सिखों की बात है। जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सीबीआई फाटक के पास जमा होकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी पर दिए गए बयान का विरोध जताते हुए काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। निगम ग्रेटर मुख्यालय के गेट पर कांग्रेस पार्षदों ने किया धरना प्रदर्शन। निगम प्रशासन की अर्थी लेकर पहुंचे पार्षदों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस पार्षदों ने आमजन से जुड़े काम नहीं होने का लगाया आरोप। सीवरेज, सफाई और सड़कों को लेकर किया प्रदर्शन। राव राजा सूरजमल लहाड़ा की 600 वर्ष पुरानी छतरी को ध्वस्त करने पर राजपूत समाज में आक्रोश। राजपूत समाज के लोगों ने विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट पर किए प्रदर्शन। राजपूत करनी सेना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश पर लगाए आरोप। सरकार पर पूर्वजों का इतिहास मिटाने के लगाए आरोप। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प। उदयपुर मावली में मदरसे की जमीन को वापस लेने के लिए उड़ा हिंदू समाज, जिसको लेकर कस्बे में बाजार बंद कर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। दिल्ली में मुंबई जा रही ट्रेन से युवक की पिटाई। 8 बदमाशों ने पिटाई के बाद चलती ट्रेन से एनीकट के पानी में फेंका।